हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नज़र हर एक शेयर पर। तो गाइस, आज हम मार्केट में एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखे हैं। तो क्या वो न्यूज़ है, क्या वो अपडेट है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो रिपोर्ट की जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट सामने आ रही है, तो ये खबर पर हम थोड़ा सा बात करेंगे और जानेंगे कि इससे रिलेटेड मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। फिलहाल कोई भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है, और जिस दिन ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा उस दिन मार्केट में इस खबर को लेकर ज़रूर ही धमाका देखने को मिल सकता है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अगर इस न्यूज़ के चलते अगर डायरेक्ट प्ले करोगे ये सब चीज़ों को, तो काफ़ी मुश्किल में पड़ सकते हो। तो सबसे पहले हम न्यूज़ को देखेंगे कि न्यूज़ क्या है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किन स्टॉक पर इस न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के पहले आप सभी से कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट वीडियो की अपडेट टाइमली मिल सके। तो गाइस, यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि गवर्नमेंट ने COVID-19 से रिलेटेड राहत पैकेज की घोषणा की है, और एज आ इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए कि जो प्लान हम बता रहे हैं, जो प्लान यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है राहत पैकेज का, तो कुछ सेक्टर पर इसका इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। और ये किन किन सेक्टर को ये राहत पैकेज जाने वाला है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। सेकेंड चीज़ ये है कि राहत पैकेज तो है, ये ट्रेडिंग के पर्पज़ के लिए सही रहेगा या ट्रेडिंग के पर्पज़ के लिए किया जाएगा, और किन सेक्टर पर इसको लाभ देखने को मिलेगा जो कि कोविड की सेकेंड वेव से इफ़ेक्टेड हुए हैं, जिनका बिजनेस स्ट्रगल मोड पे है, कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, ये सारी चीज़ें या सारे पैकेज राहत के उन्हीं कंपनियों को देखने को मिलेंगे। तो गाइस, यहाँ पर अगर हम बात करें रिपोर्ट की जरिए ये राहत पैकेज मिलेगा और किन किन सेक्टर को इसका फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो टूरिज़्म की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कोविड की वजह से टूरिज़्म का काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित टूरिज़्म हो रहा है, और इनको बचाने के लिए राहत पैकेजेस कहीं ना कहीं इनको मिल सकता है, इसका ऐलान हो सकता है। तो स्टॉक की बात करें तो इससे रिलेटेड अगर कोई स्टॉक है तो वो है इजी ट्रिप और थॉमस कुक, ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जिनको इसका फ़ायदा ज़रूर से इसमें मिल सकता है। और अगर इसके अलावा हम बात करें कोई स्टॉक है तो वो है IRCTC। आप देख पा रहे होंगे इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको ज़रूर इसमें फ़ायदा मिल सकता है राहत पैकेजेस में। अगर हम IRCTC की बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट सेक्टर है, जो कि कभी बंद नहीं होने वाला है, एक ऐसी चीज़ है। और अगर आज की डेट में हम बात करें तो आज हमको 1.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली इंडियन रेलवे में, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये आगे हमको जाते हुए देखने को मिल सकता है, राहत पैकेजेस का इम्पैक्ट ज़रूर इसमें देखने को आगे मिलेगा, तो एक फोकस ज़रूर आप इस पर रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हॉस्पिटलिटी, तो यहाँ पर आप जानते होंगे कि रूम्स, बड़े बड़े होटल्स, 5-स्टार्स होटल्स जो होते हैं कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रहे हैं, और इससे रिलेटेड स्टॉक पर डेफिनेटली हमको राहत पैकेज का ऐलान होते हुए देखने को मिल सकता है। तो हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड कौन कौन से वो स्टॉक हैं जिसका इम्पैक्ट या जिसको हम फ़ायदा होते हुए देखने को मिल सकता है, तो वो हैं इंडियन होटल, रॉयल ऑर्चिड, और भी ऐसे कई स्टॉक हैं होटल हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड, उन पर इसका डेफिनेटली असर देखने को मिल सकता है। बट अगर एक स्टॉक की बात करें तो काफ़ी अच्छी तेज़ी इन स्टॉक में देखने को मिल सकती है, इंडियन होटल की अगर हम बात करें तो। इसके अलावा अगर हम बात करें एविएशन सेक्टर की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको एयरलाइंस बिजनेस भी बहुत ज़्यादा घाटे में देखने को मिल रहा है या स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रहा है, एक स्ट्रगल मोड पर कहीं ना कहीं हमको एविएशन सेक्टर देखने को मिल रहा है। कोविड की वजह से सारी उड़ानें अगर हम कहें तो यहाँ पर बंद हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट की भी बात करें तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमको इफ़ेक्टेड करते हुए देखने को मिल रही हैं, और कोविड केसेस की वजह से कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमको ज़रूर देखने को मिल रहा है।
तो इसके चलते कुछ स्टॉक अगर हम एविएशन से बात करें तो जैसे इंटर ग्लोबल एवी हुआ, स्पाइस जेट हुआ, इन पर ज़रूर अपना एक फोकस रखें आप। इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हमको देखने को आगे मिल सकती हैं। अगर हम इस राहत पैकेज की बात करें तो इस सेक्टर में ये राहत पैकेज देखने को हमको मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गाइस आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऐसे सेक्टर्स को भी काफ़ी ज़्यादा इसका पैकेज का फ़ायदा मिल सकता है। बिकॉज़ जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये भी काफ़ी स्ट्रगल मोड पर देखने को मिल रहा है और सरकार की तरफ से इनको भी बढ़ावा अगर दिया जाता है तो डेफिनेटली हमको इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में इनसे रिलेटेड स्टॉक पर ज़रूर से देखने को मिलेगा। अगर हम इंफ्रा से रिलेटेड बात करें, अगर इनको कोविड की वजह से इनका जो बिजनेस है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर होते हुए देखने को मिला है तो इनको भी इसका बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है। और इंफ्रा से रिलेटेड अगर हम बात करें तो हमारा सबसे ज़्यादा एक मजबूत स्टॉक है जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, वो है LNT, लार्सन एंड टुरबो की बात करें तो यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड ये स्टॉक है। डिफेंस से लेकर IT सेक्टर तक सबको यहाँ पर ये कवर करता है। इसके अलावा हम बात करें ग्रेडिएंट बेल, आप देख सकते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर ग्रेडिएंट बेल नॉर्थन लिमिटेड जो कि रिसेंटली 11,087 पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। आज के दिन इसमें काफ़ी ज़्यादा हमको डाउन मूवमेंट देखने को मिला कह सकते हैं, बट अगर हम इसकी बात करें तो इंफ्रा से रिलेटेड इस सेक्टर पर ज़रूर फोकस आप सभी रख सकते हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हमको आगे चलकर देखने को मिल सकती हैं। अगर हम इसके नंबर्स की बात करें तो इसके नंबर्स आउटस्टैंडिंग नंबर आए हुए हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं और इसके नंबर्स भी काफ़ी शानदार आए हुए हैं, तो एक फोकस अपना इस पर आप ज़रूर रख सकते हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आज या आगे चलकर हमको ज़रूर देखने को मिल सकती हैं। तो अगेन आपसे कहना चाहूँगी, अगर अभी तक कोई भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है बट जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उससे पहले आप सभी प्रिपेयर रहें और इन सेक्टर्स पर आप अपना फोकस ज़रूर रखें। आई होप सो आपको आगे चलकर लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। आई होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।